तो व्हाट्स अप माय हीरोज, देखो वजन की रिश्तेदारी ना सीधा हमारे मोमोज और उसकी लाल चटनी से है, यानी हमारी पेट पूजा खाने पीने से है। तो अब मैंने खाने पीने के लिए बोल दिया, इसका मतलब ये भी नहीं कि जो सामने आएगा आप वो खाओगे, मेरा मतलब है इन सब चीज़ों से। सो बात की एक बात, इस वजन में नहीं समझ आ रहा, मैं बताता हूँ। देखो एक हेल्दी तरीके से वजन गेन करना, वेट गेन करना, और एक अनहेल्दी तरीके से वेट गेन करना, इसमें इतना नहीं इतना फर्क है। माय हीरोज, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना और अपना प्यारा सा थम्स अप जरूर दे देना वीडियो को, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हे व्हाट्स अप माय हीरोज, मैं हूं आपका दोस्त बंधु रिजवान हीरो, एंड वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है हीरो लाइफस्टाइल। माय हीरोज, वैसे तो कई हजारों पॉइंट हो सकते हैं इस वीडियो के ऊपर, पर मैं आपका भाई सिर्फ आपको चार ऐसे जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में, जिसमें से सबसे नंबर वन पॉइंट है कैलोरी सरप्लस। जी देखो, जो भी हम खाना खाते हैं ना उसमें अपनी एक कैलोरीज होती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एप्पल में ना अप्रोक्सीमेटली 50 कैलोरीज होती है। तो इसी तरह जो भी हम खाना खाते हैं ना उसमें भी सेम अपनी एक कैलोरीज होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। सो माय हीरोज, अगर हम बात करें वेट गेन की ना, तो हमको अपनी कैलोरीज भी गेन करनी होगी, यानी अपने खाने को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ अगर आपको वेट लॉस करना है, यानी आपको वजन कम करना है, तो आपको कैलोरीज भी कम करनी पड़ेगी। सो माय हीरोज, ये तो बात हुई कैलोरीज की। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो है न्यूट्रिएंट्स। सो माय हीरोज, देखो न्यूट्रिएंट्स जो कि सात तरीके के होते हैं, सात प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सातों के साथ हमारी बॉडी के लिए ना इतने जरूरी है जैसे समोसे में आलू। और वो न्यूट्रिएंट्स है कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर एंड वाटर। बट माय हीरोज, वेट गेनिंग के लिए ना तीन न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जो आपकी हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में हेल्प करते हैं, और वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। माय हीरोज, वैसे तो ये तीन न्यूट्रिएंट्स हम अपने डेली की खाने में खाते हैं, पर हमें वेट गेनिंग के लिए ना इनकी जो मात्रा है, इनकी जो क्वांटिटी है ना, वो और ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी अपने खाने में इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। एंड माय हीरोज, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमें रोज़ के खाने में लगभग मिल ही जाता है। लाइक हम रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और हम चावल खाते हैं और आलू खाते हैं, यहाँ तक कि व्हाइट ब्रेड हम जो अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की ना, तो प्रोटीन हमारे खाने में बहुत कम होता है, हमें उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अंडे, दूध, पनीर, चिकन, बहुत सारी चीज़ें फूल सादे सोर्स हैं प्रोटीन के, तो हमें वो सब खाने पड़ेंगे। एंड माय हीरोज, हमारे वेट गेन में और बॉडी बिल्डिंग में ना प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही कारण है कि जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले मेरे भाइयों को प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, कि हमारे खाने में उतना प्रोटीन नहीं हो पाता जितना हमें चाहिए। न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन हमारी बॉडी को रिकवर करता है, जो हमारी मसल्स होती है उनको रिकवर करता है, रिपेयर करता है, और उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं सुपर हीरोज, अगर बात करें हम फैट की, तो फैट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी डाइट में नट्स, सीड्स एंड ओलिव ऑयल एंड फिश जैसी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। एंड मैं सुपर हीरोज, अब बात करते हैं तीसरे जबरदस्त पॉइंट की जो है कसरत यानी एक्सरसाइज। एंड माय हीरोज, अगर बात करें एक्सरसाइज की ना, तो एक्सरसाइज और डाइट ये दोनों चीज़ ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और ये सारी डाइट जो मैंने आपको बताई है, जो सारी चीज़ें बताई है उनको ख्याल रखते हुए अगर इनको फॉलो करते हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त क्या होता है ना, हमारी जो मसल्स होती है, जो हमारी टिश्यूज़ होते हैं, वो और ज़्यादा रिपेयर होते हैं और वो बिल्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं।
एंड वो न्यूट्रिएंट्स जो हम अपने खाने के जरिए खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में ना और भी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं और ज़्यादा स्पीड दे देते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ को। हम बात करें एक्सरसाइज की ना, तो एक्सरसाइज में आपको योगा नहीं करना है, ना ही भाग दौड़ करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी होगी, और वेट ट्रेनिंग के जरिए ही आपकी मसल्स बनेगी एंड आपके शरीर पे कटिंग्स आएंगी एंड आप सेक्सी दिखोगे। लाइक जिसके लिए हम जिम जा सकते हैं और अपने घर पे ही पुशअप्स पुलअप्स कर सकते हैं और थोड़ी बहुत डंबल्स वगैरह कर सकते हैं अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाने वाली है आपको। एंड माई सुपर हीरोज, अब बात करते हैं हमारे लास्ट एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है हेल्दी स्लीप। तो माई रोज़, मैं अपने पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ कि हमारे लिए हेल्दी स्लीप क्यों ज़रूरी है और उसका क्या फ़ायदा है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो जाके देखें, बटन पर क्लिक करने पे आपको मिल जाएगी। एंड माई हीरोज़, अगर बात करें एक हेल्दी स्लीप की ना, तो हेल्दी स्लीप से मेरा मतलब है 7 से 8 घंटे की विदाउट टेंशन स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान जो मसल्स हमारी डैमेज हुई है, जो हमारी टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं, वो 7 से 8 घंटे की स्लीप में ना रिपेयर हो जाए, नेक्स्ट डे के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज़्यादा बिल्ड हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आप और ज़्यादा खतरनाक और तबाही बनाने वाले हो। एंड माय हीरोज़, अगर आपको बनना है सुपर हीरोज़, तो आपको बाबू सोना कम करना होगा और बाबू का सोना को ज़्यादा सुलाना होगा। सो माई हीरोज़, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना प्लीज़ प्यारा सा थम्स अप इस वीडियो को ज़रूर दे देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि आप भी बन सको हमारी तरह इस प्यारी सी और बढ़ती हुई फैमिली के मेंबर। सो माई हीरोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।